और दरभंगा जो शब्द बना है वो बना है द्वारबंग से, द्वारबंग से बना है। ये मुझे कह रहे कि ससुराल का मामला हो गया है, तो आप ही होंगे। कौन था, इधर से आवाज आई किसी की? अच्छा, द्वारबंग का मतलब होता है बंगाल का द्वार। यहां से बांग्ला भाषा और बंगाली समाज की शुरुआत होती है, इसलिए इस इलाके का नाम है दरभंगा। ठीक, ये बात इसलिए समझना जरूरी है कि जब संस्कृत से हिंदी बनी, उसी प्रोसेस में संस्कृत से बांग्ला भी बने, असमिया बनी, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, ये सारी भाषाएं संस्कृत से ही बनी है। लेकिन संस्कृत से बनने की परंपरा में अपभ्रंशें अलग अलग थी, और उन अपभ्रंशों से कुछ भाषाएं बनी, कुछ बोलियां बनी। जैसे एक अपभ्रंश मागधी अपभ्रंश थी, मागधी अपभ्रंश से एक तरफ बांग्ला भाषा बनी और एक तरफ हिंदी की बिहारी हिंदी बनी। और बिहारी हिंदी का मतलब हुआ जैसे मैथिली, मगही, भोजपुरी और अंगिका, कुछ लोग कहते हैं उसको भी शामिल कर लें, ये बोलियां बनी। समझने की बात है कि जिस अपभ्रंश से बिहारी हिंदी बनी है, उसी अपभ्रंश से बांग्ला भाषा बनी। इसलिए बांग्ला भाषा में और बिहारी हिंदी में या भोजपुरी मैथिली में बहुत गहरी समानताएं मिले तो आश्चर्य की बात है या सामान्य बात है? सामान्य बात है। तो उस समय, जिस समय की बात ये कर रहे हैं, अगर हम भाषा की बात करें, उस समय भाषा में एक तरफ बांग्ला बन रही थी और एक तरफ अगर हिंदी परंपरा की बात करें तो मैथिली बन रही थी। मैथिली अब तो स्वतंत्र भाषा हो गई है, एक लंबे समय तक वो हिंदी की एक बोली मानी जाती रही थी, अब उस 8वीं अनुसूची में तो स्वतंत्र भाषा भी वो हो चुकी है। तो बांग्ला और मैथिली के संक्रमण बिंदु पर विद्यापति हुए, इसलिए उनके साहित्य के साथ एक खास बात है। और वो खास बात यह है, एक तीसरी भाषा हिंदी तो है ही अपनी, इनकी एक ही पुस्तक पदावली बांग्ला साहित्य के सिलेबस में भी है, मैथिली साहित्य के सिलेबस में भी है और हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी है। और इस बात पर आप चौंके नहीं कभी, इसलिए आपको मैंने बताया कि इसकी वजह क्या है। क्योंकि जिस परंपरा से भाषा बनी उसको बोलते हैं मागध अपभ्रंश या मागधी अपभ्रंश। आप ध्यान होगा कल एक शब्द आया था अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीन बोलियां निकली थी, पर मागधी अपभ्रंश से न केवल हिंदी की बोलियां निकली, आप केवल दो अभी देखिए, एक तरफ निकली बांग्ला भाषा और एक तरफ निकली बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी भाषा नहीं है, उपभाषा है। एक होती है भाषा, एक होती है उपभाषा। उपभाषा के अंदर बोलियां होती हैं, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उन साढ़े तीन बोलियों में से, साढ़े तीन में से करो कि अंगिका को कुछ लोग बोली मानते हैं, कुछ अभी उपबोली मानते हैं उसको, तो इनमें से पहली है मैथिली। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि बांग्ला और मैथिली दोनों के विकास की परंपरा एक ही है, एक ही समय में एक ही सोर्स से ये दोनों भाषाएं और बोलियां डेवलप हुई हैं। बात समझ में आएगी आप लोगों को? तो इस बात पर चकित होने की जरूरत है कि ये बांग्ला, मैथिली और हिंदी साहित्य में कैसे आ गए, कोई चकित होने की बात नहीं है, क्योंकि एक भाषिक परंपरा में ऐसा होता है। संयोग ये है कि ठीक उस समय इनका समय है जब ये प्रोसेस चल रहा था भाषा में, इसलिए इनकी कविताएं दोनों भाषाओं में समादृत हैं।